हेलो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन क्लास इलेवेंथ का है और कॉम्प्लेक्स नंबर एनसीईआरटी बुक का है। एक क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 एंड Z2 प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं Z1 एंड Z2। तो मान लेते हैं लेट Z1 इक्वल टू X1 प्लस आई Y1 एंड Z2 इक्वल टू X2 प्लस आई Y2। कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म यही होता है X प्लस आई Y। तो ये हमने मान लिया लेट। अब यहाँ पर Z1 इंटू पहले Z2 निकालते हैं। Z1 इंटू Z2 इक्वल टू क्या हो गया, X1 प्लस आई Y1 इंटू X2 प्लस आई Y2 इक्वेलेंट हो जाएगा। पहले X1 से मल्टीप्लाई होगा इसमें पूरा में, तो क्या हो गया X1 इंटू X2 प्लस हो गया I इंटू X1 Y2 प्लस अब I Y1 ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो हो गया I Y1 इंटू X2 प्लस I स्क्वायर Y1 इंटू Y2 इक्वेलेंट टू क्या हो जाएगा X1 इंटू X2 I स्क्वायर इक्वल कितना होगा -1 तो हो गया -Y1 इंटू Y2 प्लस आई कॉमन ले लिए तो हो गया X1 Y2 प्लस X2 Y1। तो यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 कितना हो गया, इस केस में रियल पार्ट क्या है, ये है इक्वेलेंट हो गया X1 इंटू X2 माइनस Y1 इंटू Y2। ये हो गया आपका LHS, लेफ्ट हैंड साइड ये हो गया। उसी तरह राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, इक्वेलेंट टू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 इक्वेलेंट हो गया रियल पार्ट ऑफ Z1। Z1 क्या था, X1 प्लस आई Y1। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या हो गया, X1। रियल पार्ट ऑफ Z2 इस केस में क्या हो गया, X2। ये रियल पार्ट हो गया X1 इंटू X2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इस केस में क्या हो गया, X1 प्लस Y1 में Y1। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 क्या हो गया, Y2। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं LHS इक्वल टू क्या आ गया, RHS। यही प्रूव करना था, तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो इस केस में हमने यूज़ किया कि रियल पार्ट ऑफ Z इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ X प्लस IY। ये हुआ तो X प्लस IY क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें रियल पार्ट क्या है, X है। और उसी तरह इमेजिनरी ऑफ Z अगर लिखते हैं तो इमेजिनरी ऑफ X प्लस IY इक्वेलेंट टू क्या हो गया, इस केस में इमेजिनरी पार्ट क्या है, ये हो गया Y। इसी को हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज किया। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।